हेलो एवरीवन आज का जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करूंगी हाउ शुड यू राइट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ पोएम तो बहुत बार आप देख सकते हैं आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में आएगा कि वो किसी भी पोएम का नाम आपको दे देंगे लाइक तीन या चार पोएम्स उन्होंने दे दी टाइटल दे दिया एंड देन यू हैव टू राइट और यू हैव टू डू अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एनी ऑफ दो पोएम्स मे बी वन और मे बी टू पोएम्स सो एटलीस्ट लेट्स से टेन और ट्वेंटी मार्क्स जो हैं इतने मार्क्स का क्वेश्चन आपको ईजिली जो है आ जाएगा एग्ज़ाम में सो फर्स्ट थिंग यू शूड नो इज़ अफकोर्स वहाँ पर सिर्फ पोएम का नाम दिया हुआ है कि डू अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अनोक्चरल अपॉन सेंट लूसियस मे बी अपॉन दैट ओके सो ओबियसली फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज़ कि um, पोएम कौन सी है किसने लिखी है बट द गुड थिंग अबाउट दिस इज़ क्या आपको डरने की बात नहीं है कि आपको सारी पोएम्स एकदम पता चाहिए, of course, होनी चाहिए बाय हार्ट ऑफकोर्स होनी चाहिए एज पर द सिलेबस और आप स्टूडेंट हैं तो लेकिन अगर एंड टाइम में आप नहीं भी पढ़ी सारी पोएम्स तो so भी आपके पास वहाँ चार ऑप्शन रहेंगे इफ यू डोंट नो वन एटलीस्ट एक दो तीन कुछ ना कुछ आपको हो तो आपको पता होगा तो आपको चूज़ करने में आसानी होगी आप चूज़ कीजिए सो यू शुड नो हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम देन यू शुड नो अबाउट द पोएम कोर्स इफ यू आर दैट क्वेश्चन इफ़ यू अटैम्प्टिंग दैट पोएम यू शुड नो हु द स्पीकर इज हु द राइटर इज देन आपको जो है पोएम की मेन थीम्स लिखनी है राइट द मेन थीम्स दैन ऑफकोर्स उसका कॉन्टेक्सट है जो उसके रेफरेंस है वो सब उसके बारे में बताइए कि उस पोएम में क्या क्या हो रहा है इफ़ देर इज़ एनी इंटर यानी जो पोएम है वो किसी और पोएम का रेफरेंस दे रही है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो टी एस एलियट की वेस्ट लैंड है जिसमें जब वो है अप्रैल के महीने को बहुत दुख भरा महीना बताते हैं जबकि उसका जस्ट उल्टा जो है चौसर की पोएम में हुआ जहाँ उन्होंने अप्रैल को बहुत खुशी का महीना बताया है तो इस तरीके के कोई भी जो रेफरेंसेज है कोई इंटर टेक्सचुअलिटी है उसका आप एग्जाम्पल दीजिए उसको उसका वहाँ पे उसके बारे में लिखिए देन ऑफकोर्स जो पोएम है उसके जॉनर और उसका एज जो है आप डिस्क्राइब कीजिए मे बी इट्स अ डिवोशनल पोएम फ्राम मेटाफिज़िकल एज या फिर मे बी इट्स अ मॉक पोएम बाय जॉन राइडन और बाय पोप फ्राम द न्यू क्लासिकल एज तो जो भी कुछ है उसके बारे में आप बताइए उसके बाद जो है आप जो पोएम का प्लॉट है जो भी उसके बारे में लाइक उसकी जो भी uh, किस चीज़ पे बेस्ड है वहाँ क्या हो रहा है उस पोएम में वो सब लिखिए उसके बाद अगर हम टेक्निकल चीज़ों की बात करें तो उसकी राइम स्कीम क्या है मीटर हैं वो कैसे हैं उस पोएम का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है मे बी उधर पे कुछ और लाइक एक लिरिकल काइंड ऑफ क्वालिटी वहाँ पे चल रही है व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज़ इट इज़ इट एन एपिक और पे बी इट्स अ सॉनेट या फिर कुछ कुछ भी और तरीके की पोएम है जो भी कुछ स्पेशल है मे बी वो पोएम आपस में लिंक्ड हैं जैसे कि सॉम्गो इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में है हमारे साथ में या जिस भी टाइप की पोएम है उसके बारे में आपको लिखना है बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो पोएम्स में बहुत फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ होती है यानी लिटरल नहीं हो रहा है जो भी कुछ है मे बी ही मीन्स समथिंग एल्स तो अगर इस टाइप की कोई चीज़ें हैं तो उसके बारे में लिखिए ऑफ़ कोर्स चीज़ें जो है वो हाईलाइट करते जाइए और जो भी आपकी एनालिसिस है उसको अच्छे तरीके से लिखिए तो ऑफकोर्स आप शुरू करेंगे एक इंट्रोडक्शन से उसके बाद में आप पोएम का टाइटल लिखेंगे उसके एनालिसिस करेंगे ऑथर के बारे में लिखेंगे आपका जो पूरा इवेल्यूएशन है आप उसके बारे में लिखेंगे अब जो है एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप ऑफकोर्स आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आप उसकी अच्छाई बुराई सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं मे बी कुछ चीज़ें जो है जैसे कि आप टी एस सी लेट की वेचलैंड के लिए बोल सकते हैं कि इट इज़ वे टू डिफ़िकल्ट फॉर एवरी वन लाइक फॉर ले मैन टू अंडरस्टैंड लेकिन ये चीज ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी चीज बोल भी रहे हैं कि आप अच्छा या बुरा जो भी कुछ बोल रहे हैं आपको उसके प्रूफ देने हैं कि हाँ बिक ये देखिए ऐसी ऐसे इस इस वजह से जो है बिकॉज ऑफ एक्स वाईज रीजन आई एम कि ये ऐसी चीज है क्योंकि आप क्रिटिकल एनालिसिस करें ऑफकोर्स सो अच्छा बुरा जो भी कुछ है मे बी इट्स टू लिटरल और मे बी उसमें बहुत ही ज़्यादा कभी कभी कुछ पोएम्स नहीं होती हैं जो आप रीड करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको इतना बनावटी कर दिया गया है कि आप उसको पोएम की तरह इन्जॉय नहीं कर पा रहे मे बी इट्स समथिंग लाइक दिस लेकिन उस केस में भी जो है आपको एग्जाम्पल देने की देखिए जो पोइट है उसने बहुत ही ज़्यादा एम्बेलस्ड लैंग्वेज यूज़ की है जो आप वर्ड्स है यहाँ पर जो वकेबलरी है अगर आप वो चेक करेंगे उसकी कुछ सैम्पल दीजिए कि हाँ ये जो है ऐसा ऐसा उसने यूज़ किया है इसी जो है आई फील लाइक दिस बट अगेन आपको पोएम अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि मोस्टली जो क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पे सिर्फ आपके पास पोएम का नाम रहेगा यू कैन नॉट रियली रीड द पोएम वहाँ पे तो अगर आपके पास पोएम नहीं है तो भी आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए आई एम नॉट सेइंग कि आपको पोएम जो है वो बाय हार्ट याद होनी चाहिए लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पोएम में क्या हो रहा है तभी आप उसकी जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और उसके बाद मोस्टली ट्राई टू बी पॉजिटिव थोड़ा बहुत आप क्रिटिक कर सकते हैं कि यह ऐसा ये वैसा होना चाहिए बट मोस्टली ट्राई टू भी पॉजिटिव बिकॉज एट देंड ऑफ़ द डे यू आर स्टूडेंट और जिन्होंने वो पोएम्स लिखी है उस टाइम के जो पोएट्स थे यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दैम ओके उसके बाद में जो है पूरा जो पोएम का कंटेंट है उसको सबको अच्छे से रिव्यू कीजिए सारी चीज़ें लिखिए और एक अच्छा सा कंक्लूजन जो है वहाँ पे दीजिए इस तरीके से जो है आपकी क्रिटिकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी अब एक और चीज़ है कि क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं ये दोनों सेम नहीं है तो अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस आता है तो ऑफकोर्स आप अभी जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है अटैम्प्ट करनी है इससे ही एक रिलेटेड जो है ब्लॉग भी है अगर आपको वहाँ से और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी लेकिन अगर आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है उसके लिए मैं एक और वीडियो बना रही हूँ आप उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन से चेक करके वो वीडियो चेक कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए तो मेरा जो अगला वीडियो अपलोड होगा आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन का जो वीडियो है उसको आप देख पाएंगे आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक द वीडियो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप चाहते हैं मैं कोई और चीज़ कवर करूँ या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स